पानी का खारा पानी दिक्कत इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ है कि पानी पीने के योग्य तो है ही नहीं है, पूरा दूषित है और काफ़ी दूर से पानी लाना पड़ता है, जिससे कि इस गांव के हर एक बच्चे को, एक सयान को, बुज़ुर्ग को, सारी को दिक्कत है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि पानी टाउन एरिया से रातू से अगर आ जाए तो बहुत सुकून मिल जाए। हमारे गाँव में कोई शादी ब्याह के लिए आता है तो उसमें भी लोग चले जाते हैं कि यार यहाँ से हमारी बहू बेटियाँ कैसे पानी भरेंगी, ये सारी समस्याएँ हैं जिससे कि हम लोग जूझ रहे हैं। घर में आदमी नहीं है, वो किसी से कहती है भैया थोड़ा हमारे लिए 5 लीटर पानी लेते आओ, कोई सुनता है कोई नहीं सुनता है, तो मजबूरन उनको बेचारी को जाना पड़ता है, सर पे पल्लू करके किस तरह जाती है दूसरे गांव में, शर्मिंदगी महसूस होती है, मगर जाती क्या कर, क्योंकि पानी का सवाल है, जल ही जीवन है। ये जो सिराथू में बरई का पुरवा है, यहाँ पर जो है खारा पानी की शिकायत हमको भी मिली थी, लेकिन यहाँ पे अब जल जीवन मिशन का जो काम हो रहा है इसके तहत अभी तक जो हैंडपंप से पानी पिया जाता था और दूसरे स्रोतों से पिया जाता था तो उसमें खारा पानी कहीं कहीं शिकायत थी, लेकिन पूरे कौशाम्बी में अभी हमको कहीं भी ऐसी शिकायत नहीं मिली है कि जहाँ पर हमारा जो गाँव कुछ ड्यूटी मिली है। और इसके लिए जल जीवन मिशन के तहत जो काम हम लोग करवाने जा रहे हैं, हर घर नल से जल, तो उसमें हमारा जो स्टेटा है वो जल में नीचे जाएगा और उससे साफ पानी और स्वच्छ पानी जनता को मिलेगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, कार्य प्रगति पर है। हर गांव को, हर घर को हर नल से जोड़ना, ये जल जीवन मिशन की गाइडलाइन है, इसके तहत हमारे यहाँ काम चल रहा है।